देहरादून में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर एक भारत श्रेष्ठ भारत उनके सपने को साकार करने की प्रतिबद्धता के साथ उत्तराखंड पुलिस राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर देहरादून में मैराथन का आयोजन करने जा रही है, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो गए हैं। वहीं DGP अशोक कुमार ने बताया कि उत्तराखंड पुलिस आगामी 30 अक्टूबर 2022 को देहरादून में मैराथन का चौथा संस्करण आयोजित करने जा रही है। इस बार का देहरादून मैराथन एडिशन लेकर के आ रहे हैं, जो ओवरऑल चौथा एडिशन होगा। देहरादून मैराथन उत्तराखंड पुलिस द्वारा वर्ष 2016 से आयोजित की जा रही है। दो वर्ष कोरोना के वजह से इसका आयोजन नहीं हो पाया था। आप सभी जानते हैं कि इसमें 20,000 से ज़्यादा लोग प्रतिभाग करते रहे हैं। विदेशों से भी प्रतिभागी इसमें आए हैं। इसमें कुल प्राइज मनी 10 लाख रुपए रहता है। कोई रजिस्ट्रेशन फ़ी किसी से नहीं ली जाती है। कुल मिलाकर के दो तो कॉम्पिटिटिव कैटेगरीज हमने रखी हैं, 21 किलोमीटर और 10 किलोमीटर, और एक हमने फ्री रन रखा है 3 किलोमीटर। उसमें जो भी खाली हमारे उद्देश्य जो हैं, रन फॉर यूनिटी, रन अगेंस्ट ड्रग्स, इनके साथ जो हमारे मोटो हैं, जो हमारे थीम है, इसको लेकर के जुड़ना चाहते हैं, तो वो 3 किलोमीटर के फ्री रन में भाग लेंगे, जिसको हम रन फॉर अवेयरनेस भी कह सकते हैं, जिसको हम रन फॉर फन भी कह सकते हैं। मेरी सभी युवाओं से अपील है, सभी लोगों से अपील है कि बढ़ चढ़ कर इस मैराथन में भाग लें, और जो हमारी देवभूमि को ड्रग्स फ्री बनाने की मुहिम है उसके साथ एकजुटता दिखाएँ, और राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने का जो हमारा सपना है उसके साथ एकजुटता दिखाएँ।